440 योगी। अच्छा फोर फोर्टी योगी। योगी इज अ पब्लिक एंटिटी एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड एट बिलो 2015 2014। ऑन 1 अप्रैल 2014 योगी सोल्ड नेट एसेट्स, सोल्ड नेट एसेट्स गुडविल ऑफ अ सेपरेटली ऑपरेटेड डिविजन ऑफ इज बिजनेस फॉर 8 मिलियन कैश, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन। मतलब नेट वो नेट गुड एसेट्स तो 7 मिलियन के थे। दिस ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड शेयर होल्डर अप्रूवल एंड टू सिक्योर दिस द मैनेजमेंट ऑफ योगी ऑफर शेयर होल्डर्स अ डिविडेंड ऑफ 0.440 सेंट्स फॉर ईच शेयर इन इश्यू आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द डिविजन विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द ट्रेडिंग रिजल्ट एक मिनट ऑफ द डिविजन इंक्लूड। ओके तो ये पूरे के पूरे डिविजन की स्टेटमेंट है जो इंक्लूडेड थे ऊपर के प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है फॉलोइंग आर सिलेक्टेड इश्यूज ऑफ यूगी ऑफ इन कैलकुलेटेड इन द। ओके तो ये सब चीजें भी कैलकुलेट करना है। ये मार्च 2014 के थे मेरे को कैलकुलेट करने। फॉर द ईयर एंड मार्च 2014 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय डिविजन तो मार्च 2015। ओके चलो भगवान की दया से एक चीज तो अच्छी है कि अपने को 15 का वैसे ही करना है जो है वो करना है। जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो सारे 14 में होंगे। इसमें ने अपन को इसका रिटर्न कैपिटल प्रोडक्ट अपन ने बोल दे दिया है। अच्छी बात नहीं तो भी चलता है। ठीक हाँ 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 वही 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 अपने को भी आता है उतना तो आता है। फॉर्मूला मैं एग्जाम में लिखूंगा अभी के लिए मैं सिर्फ इस पे फोकस कर है ना। कैलकुलेशन में हाँ
अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वो ही ना देख प्रीवियस हमारा ना। हाँ, देख वो है ना, दो फॉर्मूला से बनता है, बराबर है। वो ट्राई कर, ट्राई कर, क्योंकि तू ऐसे करेगा तो तेरे को याद रह जाएगा। थोड़ा सा ट्राई कर, वो इजी है, आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट तूने कितना किया था उससे तेरे को रिटर्न्स कितना मिल रहा है, आरओआई? नहीं रे, हाँ तेरा वो प्रॉफिट हाँ बिफोर टैक्स अपॉन डेप्थ इक्विटी वाला है क्या? नहीं, पीछे जा, पीछे जा, जाके देख ले। कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नीचे, वैसा वो वाला। प्रॉफिट बिफोर नहीं टैक्स अपॉन टोटल करंट। अरे अच्छा ये वाला, भाई, तो अरे अपन सर
हमसे नीचे वाला अमाउंट हटा देंगे क्या, क्या कुछ करता रहेंगे इसका? नीचे वाले अमाउंट, हाँ वो हटाना, वो हटाने तेरे तेरे 14 से तेरे को हटाने। तूने कैसे हटाया? मतलब उस उसी के अंदर जाके हटाया गया, अलग से कुछ फॉर्म के बना? अंदर जाके हटाया, ये देख कैपिटल नंबर छोड़ी। मेरे को मेरा खाली कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढना है। कैपिटल एम्प्लॉय तो चेंज होगा, सिर्फ फॉर दैट रीजन मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो रिस्क ले रहा हूँ अभी, आरओसी में एडजस्टेड में पिछले साल के जस्ट 22,000। 200 तो अभी के लिए मुझे फर्स्ट सेंट मिल सकते हैं। जो इस साल का है तो करंट ईयर उसकी दिक्कत ऐसा सबसे ज्यादा, बिकॉज हाँ भाई मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है, नॉट श्योर कि वो चीज इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। आई विश यू नो इतना नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल कैश में भेजने में कोई प्रॉफिट सो मच श्योर। Just not sure what on this. मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करके कॉलम कुछ कर सकता हूँ। पूछा गया मैंने तो पूछा गया मुझसे पूछा गया है कौन। ओके एक्सप्लेन द प्रॉफिट एंड मुझे लगा इस एक्सपेरिमेंट से सेल ऑफ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ डिलीशन तो मुझे वो नहीं पूछा मैंने। तो हम प्रॉफिट एंड सेल डिवीजन एक्सक्लूड करके बनाएंगे तो आरओसी का फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो प्राइस सेम ही रहेगा।
डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में फिर 15 का कैपिटल एम्प्लॉयड देखना पड़ेगा कितना है। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वही फॉर्मूला होगा। अच्छा 2500 माइनस 5500 मतलब 17500 बेसिकली। राहुल का वीडियो नहीं ऑन हो रहा। राहुल क्या हो गया, वीडियो ऑन नहीं कर रहे तो? क्या वीडियो ऑन नहीं है क्या? अच्छा देखा ही नहीं मैंने, नहीं वो नहीं सम कर रहा था। ओह नाइस। वी नेट एसेट टर्नओवर के लिए हमारा जो रेवेन्यू होगा That will be divided by the capital employed, which we have got as. I don't know if this is right, but 2.06 times is the answer. Let's have a look at the answer now, guys. Correct, 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 correct. Wrong. Almost correct. Oh man, wrong, 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 wrong. As I had thought. वो दो नीचे के एडजस्टमेंट्स करने थे। कैमिस्ट्री मेरे पता है क्या बराबर है, मेरे खाली ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बराबर है। क्यों इसमें से गलती क्या हो गई? बाकी के दो में ना वो गलती हो रही है। हाँ एक मिनट तेरा एक्सेल कहाँ पे, एक्सेल डी का एक मिनट तेरा। तेरे को बराबर आ गए। पता नहीं मैं देखा नहीं मिलते। एक मिनट आंसर देखो। भी बराबर ही किया है तो ये तो बराबर है बेसिक। नहीं रे, 18 तो नहीं माइनस करना था वो सब। करना था नहीं भाई देखना, क्वेश्चन में देखना। तो तू और कैसे माइनस निकालेगा, तो तू और कैसे निकालेगा रुक मेरे भाई, को। रुक 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 रुक। वो 7,000 का कुछ तो सीन है रे। देखिए मैंने जो यहाँ पे बोला है ना, ये 7,000 का कुछ तो सीन है। ऑन 1st अप्रैल 2014 यानी कि करंट ईयर में
योगी सोल्ड नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ अ सेपरेट ऑपरेटेड डिवीजन ऑफ इट्स बिजनेस फॉर 8 मिलियन कैश, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन। मतलब उस डिवीजन का वैल्यू 7 मिलियन का था, इतना मेरे को समझा। ठीक है, उस डिवीजन का वैल्यू 7 मिलियन का था। दिस ट्रांजेक्शन रिक्वायर द शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड टू सिक्योर दिस द मैनेजमेंट ऑफ योगी ऑफर द शेयर होल्डर्स अ डिविडेंड ऑफ 40 सेंट्स फॉर ईच शेयर इन इशू आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल। ईच शेयर इन इशू, चल डिविडेंड बाद में देखते हैं, पहले ये 7,000 इन लोगों ने यहाँ से माइनस क्यों किया, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। सर 1 मिनट एक्सेल देखा मेरे को। एक मिनट, ये तेरा 333 ऊपर ऊपर जा। 1 मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट में हो गया, देख के अच्छा एक पूरा। हाँ मेरे को भी सेम है। अच्छी बात है फिर, अगर सीखना है तो। और क्या, ओ ये रहा, सेम आया, सही है। यार वो 7,000 जो है ना, उन्होंने बोला है कि इसका इफेक्ट नहीं देने का। देख, नहीं पता। गया वो एक्सपांड नहीं, ये इन्होंने बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय डिवीजन दैट हैज बीन सोल्ड। तो अपना वो तो पूरा बराबर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू वगैरह। दिक्कत खाली इस चीज की है, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 एक्सक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवीजन, एक्सक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवीजन। वी एक्सक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवीजन बोलेगा, तो मेरे को करना क्या है? 1,000 से माइनस करूं मैं, अरे बोलो 1,000 को कंसिडर ही नहीं करूं। 7,000 इन द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवीजन, तो मेरा 7,000 का डिवीजन वैल्यू बनता है। तो अगर वो मैंने नेट एसेट्स में से बेच दिया है, तो मेरे नेट नेट एसेट्स का वैल्यू 22,500। उसमें तो 7,000 निकाल देगा। 15,500 बचा, फिर और ये 5,500 जाएगा करंट लायबिलिटीज का, तो आया 10,000। तो 10,000 में वो से फिर बोल वो रहा 13,000 था भी जाएगा ना वो नहीं इक्विटी नहीं का। उतना ही देगा ना, अभी वो नहीं जा रहा है ना, उतना नहीं जा रहा है वो 7,000 तो माइनस कर रहे हैं। 29,200 कहाँ से आ रहा है उनको?
अच्छा सॉरी, हाँ 2014 का करना था क्या? नहीं 15 का ही है वो, एक्सक्लूडिंग द प्रॉफिट इसी का ही है। श्योर थी तो नहीं रे, दिमाग। मुझे तूने भी कैलकुलेशन दिया वो 14 का है, 29,200 -7,200 -7,000। वो किस चीज का था इसका वो? देखना नेट एसेट का, और 14 का था यार। तो 14 का देख रहे, वो वाला 14 का है। क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। एक मिनट रुक जा, एक काम करते हैं ना। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? नेट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज और इक्विटी, मतलब 17,000। एक काम कर दिया ना। अरे यार ऐसे जमे इस चीज को, करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला इधर और इधर आता है ना। चलिए इस चीज को मैं 17,000 से डिवाइड कर देता हूँ। इस चीज को भी मैं नहीं, अभी ये 15 का है ना, अभी पहले मैं 15 के एडजस्टमेंट्स कर देता हूँ। चल 17,000, 17,000 मेरा बराबर आया 2.11 टाइम्स 21.76। बराबर आया क्या मेरे को? तो देखते हाँ चल 2.2 टाइम्स यहाँ पे कर देता हूँ मैं, बराबर है। ये दो बराबर आ गए, तो चल ये पूरा बराबर आ गया। चल ये गया, ये गया, अभी बचता है ये। अरे इसका भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही अपने को निकालना है, मतलब अब अपने को नॉन करंट लायबिलिटीज और इनको ऐड करना है, मतलब 22,000। दिक्कत ये है कि मैंने इधर 22,000 ही लिया हुआ है। उसके बावजूद गिना जा नेट रहा है। एसेट टर्नओवर 15 में जाके देखना कितना। तो एक मिनट, इधर नेट एसेट टर्नओवर में जाना, मार्च 2015 के 2.1111, 2.11। अच्छा वो ओके। ठीक है, देखना बचते खाली वो दो है, अभी से माइनस वो दो में करेगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने। हाँ तू जो बोल रहा है ना, तू गलत बोल रहा है। वो 2015 का कैलकुलेशन नहीं है, वो 2014 का ही कैलकुलेशन है। मेरे को खाली इतना समझ में नहीं आ रहा है कि चल 2920 तो तेरा तेरा एसेट्स हो गया, एसेट्स में से तूने ये माइनस कहाँ गया रबर अभी? चल करंट ये है, लाइब्रेरी ये है, तूने ये माइनस किया, बचा कितना तेरे पास? 22,000 जो मेरे पास बचा है। अभी बोलोगे एक्स्ट्रा 7,000 माइनस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 7,000 माइनस कर रहे हैं, वो कब का कर रहे हैं वो देख ले। यही है ना? नहीं सॉरी, ये एक्स्ट्रा 7,000 वो कब का माइनस कर रहे हैं? ऑन 1 अप्रैल 2014, जब तेरा ईयर एंडिंग मार्च 2014 है, तो तू 1 अप्रैल 2014 को जो तो मेरे 7,000 का बेचा है, तो वो क्यों माइनस कर रहा है? मेरा वो प्रॉब्लम है। डिविडेंड तो नहीं आएगा, डिविडेंड तो मतलब अब छोड़ी है, वो तो तेरा इंटरप्रिटेशन के लिए उन लोगों ने दिया है। तो जो खेल बन रहा है वो इस लाइन तक ही बन रहा है। एक मिनट, सोल्यूशन में वापस आऊँ। क्या भाई, क्या बे इसमें नहीं, ये लोग का सॉल्यूशन सोल्यूशन बोला तूने? पीडीएफ ये लोग वाला, का सॉल्यूशन एग्जाम किट। हाँ, द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द डिवीजन सोल्ड एट 31 मार्च वो 7 मिलियन। हाँ, ये देख, इन्होंने 31 मार्च 2014 बोला, यहाँ पे इन्होंने 31 मार्च 2014 बोला, यहाँ पे देख ऑन 1 अप्रैल 2014। अब ये बकचोदी नहीं है। मैं करंट ईयर में नहीं लूंगा इस चीज को, 15 में नहीं लूंगा मैं, लोग ने ऐसा बोला तो। दिस ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स शेयरहोल्डर अप्रूवल एंड टू इंश्योर दिस मैनेजर ऑफ चल ये तो इन लोग ने बोला बोला वो छोड़,
ये तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ये कैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती ये क्या है, बताइए एक्सप्लोर। एक्सक्लूडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, नहीं, मेड बाय डिवीजन दैट हैज बीन सोल्ड। बट एक मिनट, ये हमने उस टाइम पे तो सेल ही नहीं किया था, ये अपनी गलती नहीं है। नहीं, ये देख, इन्होंने मार्च 15 में देख क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवीजन, तो वो इस चीज की बात कर रहे थे क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द डिविजन दैट हैज बीन सोल्ड। हमने सेल किया 2015 को, हमको मार्च 14 को बताना है कि अगर वो डिवीजन का वो पार्ट वहां पे होता ही नहीं तो हमारा वैल्यू क्या होता, और अगर बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। डिजिटल इंजीनियरिंग ऑपरेटेड डिवीजन ऑफ बिजनेस, बहुत कंफ्यूजिंग था ये। मिला मेरे को आंसर, बट क्लिक नहीं होता तेरे को। मेरे को तो ये वाला भी क्लिक नहीं हुआ, प्लस मेरा काम कर रहा था। अबे ये देख क्या हो गया पता है क्या, इन लोगों ने बोला है कि तुझे वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो डिवीजन दे रहा था उसे तुझे एक्सक्लूड करना है, बराबर है? तो तूने ये तो पूरा माइनस किया। अब वो बोल रहे हैं कि उसे उस डिवीजन से, सेपरेटली ऑपरेटेड डिवीजन से, उसने उस चीज को बेचा, उसने उस सेपरेटली ऑपरेटेड डिवीजन को 8 मिलियन का बेचा मार्च 15 को, बराबर है? तो उसने मार्च 15 को बेचा है 8 लाख का, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, मतलब 1 मिलियन। तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था, 7 हजार, बराबर है? तो ये 7 हजार का वैल्यू उस बंदे ने 2015 को, सॉरी 8 हजार का बेच दिया, बराबर है? 2015 को बेच दिया 8 हजार का, यानी कि 2014 में तो ये डिवीजन था ही यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द डिवीजन हैज बीन सोल्ड। बोलो क्या, कुछ नहीं समझ रहा पूरा, नहीं, समझा तेरे को? मतलब पता नहीं क्या हुआ यार। ठीक नहीं, एक काम कर ले, सुबह उठ के ये वाला वीडियो फिर से देख ले, हो जाएगा। अपन अपन का थोड़ा ब्रेन आउट भी हो गया है, क्योंकि यार तो इतना डिफिकल्ट ये लोग देंगे ना, क्योंकि यार ये नहीं सोचा, ये मैथ ये मेरे तो दिमाग के ऊपर ही से ही गया था स्टार्टिंग में, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ उनका, ना हार्ड है वो। ऊपर से तूने मेरे को तो एक अपना नॉर्मल तेरा एक्सेल देगा, एक्सेल देगा। हो रहा है, स्क्रीन लोड हो रहा है। अभी हाँ दिख नॉर्मल रहा है। नॉर्मल अपन आरओसी में क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करते हैं कि अपन अपना नेट एसेट लेते हैं, ठीक है, उसको अपन माइनस करते हैं अपना करंट लाइबिलिटी से, बराबर। हाँ बराबर, परफेक्ट, तेरे डिनोमिनेटर के लिए। हाँ तो अपन ने इसमें नॉन करंट क्यों लिया है, क्योंकि नॉन करेंट में नहीं लिया अपन। अच्छा हाँ, तू ऐसे पूछ रहा है। ओके 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 सी मैं तुझे बताता हूँ। हाँ ये तो बहुत ही इजी डाउटर है, बताता हूँ। अरे सुन ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जब तू टोटल करंट टोटल एसेट माइनस रहा करंट लाइबिलिटी करेगा तो हाँ बचेगा तेरा नॉन करंट, बचेगा इसे तो वही नॉन करंट से माइनस कर डायरेक्ट। वही वही, इसे मैं डायरेक्टली वहां से माइनस किया, समझा करे वो। तो अपन ने पहले अपन ने फोकट में वो किया था, मतलब वो अपन डायरेक्टली नॉन करंट लायबिलिटीज वहां से माइनस कर सकते हैं। चलिए, ये तो अपने को बेसिक मिल जाएगा, बराबर है? तो मैं तो वही बोल रहा था कि अपने को इतने 6 रेशियोज तो बराबर आ गए थे, बचे थे खाली ये दो, अभी के लिए आ गए हैं दो। बट उनका जो इंग्लिश है ना यार राहुल, कि वो बहुत ट्रिकी है यार, वो उधर फंसा देंगे एग्जाम में।
ठीक ठीक है, मैं अभी के लिए वीडियो बंद है, करता हूँ। थोड़ा सा सैड नोट है, थोड़ा सा कंफ्यूज नोट पे वीडियो बंद होगा। सॉरी गाइस, आई हाँ होप यू बंद कर गाइस देना एंजॉयड इट। बंद कर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। कुछ सीखने को मिला होगा। बाय।